अस्सलाम वालेकुम प्यारे तुलबा। पिछले वीडियो में हमने देखा ब्राजील की जमीनी साख, अब हम इस वीडियो में देखेंगे भारत के जंगलात की। नंबर एक, सदाबहार जंगलात। नंबर दो, पतझड़ के जंगलात। नंबर तीन, हिमालय के जंगलात। नंबर चार, साहिली जंगलात। नंबर पांच, कांटेदार जंगलात। आप इस नक्शे को देखकर इसे बज़ाहिर समझ सकते हैं जिसे मुख्तलिफ रंगों से जाहिर किया गया है। गहरा हरा रंग सदाबहार जंगलात को जाहिर करता है। जहां 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, सूरज की शुआएं भरपूर पड़ती हैं, इन जंगलात में दरख्तों के पत्ते चौड़े और हरे भरे होते हैं। इन दरख्तों की लकड़ी वजनी और पायदार होती है, मसलन महोगनी, शीशम, रबर वगैरह। यहाँ बहुत ज्यादा हयाती तनु पाया। हल्का हरा रंग पतझड़ के जंगलात को जाहिर करता है। 1000 से 2000 मिलीमीटर के बारिश के इलाकों में पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। खुश्क मौसम और अमले तफकीर की वजह से पानी कम ना हो, इसलिए यहाँ नबातात के पत्ते झड़ने लगते हैं। सागवान, बांस, बरगद, पीपल जैसे नबातात इन जंगलात में भरपूर पाए जाते हैं। उसके बाद डार्क ग्रे कलर कांटेदार जंगलात को जाहिर करता है। भारत में जिन इलाकों में लंबे अरसे तक खुश्क मौसम में गर्मा और 500 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, ऐसे इलाकों में कांटेदार जंगलात पाए जाते हैं। इन जंगलात में नबातात के पत्तों की जसामत छोटी, खैर, बबूल, खेजरी, नेजलवा, गेकुआर, नागफनी जैसे नबातात यहाँ पर कसरत से पाए जाते हैं। नीला रंग साहिली जंगलात को जाहिर करता है। साहिल के करीब दलदली इलाकों में और खाड़ियों के हिस्सों में जहाँ मिट्टी नमकीन और आबोहवा मरतूब होती है, वहां साहिली जंगलात पाए जाते हैं। इन्हें सुंदरी के और चमरंग के जंगलात भी कहते हैं। यहाँ दरख्तों की लकड़ी रोगनी और पायदार होती है। पिस्ता रंग हिमालय के जंगलात को जाहिर करता है। भारतीय हिमालय के इलाकों में पाए जाने वाले जंगलात को हिमालय के जंगलात कहते हैं। इन इलाकों में पाइन, देवदार, सुनोबरी जैसे दरख्तों की अकसाम पाई जाती हैं।